हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में टेबल को कैसे इंसर्ट करेंगे और उसमें डेटा आप किस तरह से फीड करेंगे और टेबल की काफ़ी सारी फीचर्स, उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं। तो यहाँ से आप राइटर डॉक्यूमेंट्स को ओपन करें। सबसे पहले ये आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट्स है। न्यू डॉक्यूमेंट्स में आप टेबल ऑप्शंस को देखेंगे, टेबल ऑप्शन आप कैसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको टेबल ऑप्शन का यूज़ करने के लिए आप मेनू बार में टेबल ऑप्शंस है, टेबल पे आप क्लिक करें। उसके बाद ऑप्शंस है इंसर्ट टेबल, इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल F12 का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के बाद टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आप अपने टेबल का नाम दें। तो टेबल वन बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका नाम है, टेबल वन है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। तो आप अपने टेबल में कितने कॉलम रखना चाहते हैं और कितने रोज आप रखना चाहते हैं, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रोज़ आपकी 3 होनी चाहिए और आपके कॉलम्स 4, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसमें ऑप्शंस है, ऑप्शंस के अंडर आपकी हेडिंग्स है। हेडिंग्स अगर आप हेडिंग को ऑन करते हैं, हेडिंग ऑप्शन को अगर आप ऑन करते हैं, तो इसमें इसके बाद दूसरा ऑप्शन है रिपीट हेडिंग रोज़ ऑन न्यू पेज। तो जो टेबल जब आपका बनेगा उसमें जो सबसे पहली आपकी जो रो होगी, सबसे पहली जो फर्स्ट नंबर की, वो आपकी एक तरह की टेबल की हेडिंग होती है। तो अगर आपका टेबल नेक्स्ट पेज पे जाता है, नीचे नेक्स्ट पेज पे आ जाता है, तो उसकी जो हेडिंग्स है वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले टेबल की ही हेडिंग नीचे वाले टेबल में आपकी रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे आपका डिपेंड करेगा कि आपने कितनी रोज़ को रिपीट करना है। तो अगर आप रिपीट करना चाहते हैं कि एक एक को अगर आप रिपीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऑप्शन एक सेट करें। इसके बाद आपका टेबल का स्टाइल्स, टेबल का के जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स है, जो पहले से ही इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं, यहाँ से आप अलग तरह का टेबल का स्टाइल ले सकते हैं। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी स्टाइल, जो भी आपने यहाँ से स्टाइल लेना है। तो फिलहाल अभी हम इसको नन रखेंगे और हेडिंग्स ऑप्शन को भी आप अनचेक कर दें। तो यहाँ से अभी सिंपल आपने जनरल में टेबल का नेम डिसाइड करना है और नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़, उसके बाद आपने इंसर्ट करना है। ये आपका टेबल इसमें बन जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ से जो ऑप्शंस है, आप अपने माउस से इस टेबल को ड्रैग करके थोड़ा सा लार्ज कर सकते हैं। तो आप सिंपली इसमें डेटा कैसे फीड करेंगे, तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है सीरियल नंबर, उसके बाद ऑप्शंस रहेगी नेम, लाइक फादर्स नेम एंड लाइक आप रखते हैं सिटी। तो ये हमने एक तरह की टेबल की हेडिंग दे दी। तो उसके बाद आप टैब की का यूज़ कर सकते हैं। टैब की से आप नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। सबसे पहले इसमें रोज़ एंड कॉलम को क्लियर कर लेते हैं। तो जो आपका ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी रोज़ है, और जो आपका ये वर्टिकली नीचे को ऑप्शंस है, ये आपका कॉलम है। तो जो टेबल जो आपका बनता है वो रोज़ एंड कॉलम का कलेक्शंस होती है। तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शंस देखें आप, टेबल में आपने इंसर्ट करनी है रोज़ एंड कॉलम्स। तो देखें, तो जहाँ भी आपने अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने इसमें रो इंसर्ट करने की कॉलम, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें सबसे पहले रो इंसर्ट करते हैं, सीरियल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर 2। अब आपने इसके बाद एक रो इंसर्ट करनी है, तो आप कहीं भी क्लिक कर ले, यहाँ किसी भी सेल में क्लिक कर ले, उसके बाद आप टेबल्स में जाए, टेबल्स में इंसर्ट देन रो। यहाँ पे ऑप्शंस
रहेगी आपके पास रो एबव रो बिलो, कि आपने जो जो आपने रो सेलेक्ट की हुई उससे ऊपर आपने एक रो इंसर्ट करनी है कि उसके नीचे आपने एक रो इंसर्ट करनी है। तो बिलो, तो इस आप बिलो चूज करें, इसके बाद आपकी एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से आप ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे टू टू से ऊपर आपने एक और रो इंसर्ट करनी है, तो टेबल्स इंसर्ट देन रो एबव, तो टू से ऊपर एक रो आपकी इंसर्ट होगी। तो सेम ऑप्शंस आप कंट्रोल जेड से आप वापस आ सकते हैं, कंट्रोल जेड से आप वन स्टेप बैक आ सकते हैं, इंसर्ट टेबल रोज एंड एबव एंड रो बिलो, इसके बाद ऑप्शन से आपका रोज। अब फॉर एग्जांपल आप दो या तीन या चार रोज इकट्ठी इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। तो लाइक आपने सेलेक्ट किया टेबल्स इंसर्ट देन रोज, तो रोज में आपने यहाँ पे डिसाइड करनी कि आपने कितनी रोज इंसर्ट करनी है। तो लाइक आप टू रोज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वही सेम ऑप्शन रहेगी, एबव सिलेक्शन ऊपर या फिर बिलो नीचे। तो अगर आप बिलो नीचे इंसर्ट करना चाहते तो बिलो सिलेक्शन चूज़ करें, उसके बाद आप ओके करें, तो आपकी टू रोज इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल जेड से आप वन स्टेप बैक आ सकते हैं। इसी तरह सेम ऑप्शंस रहेगी आपकी कॉलम बिफोर एंड आफ्टर। फॉर एग्जांपल आप सिटी के बाद एक और कॉलम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप टेबल्स में जाके इंसर्ट कॉलम आफ्टर आफ्टर मीन्स बाद में, तो इसके बाद आपका एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह सिटी से पहले अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो टेबल्स देन इंसर्ट कॉलम बिफोर, तो सिटी से पहले आपका एक कॉलम इंसर्ट होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें इंसर्ट कॉलम, ये भी इसी तरह से मल्टीपल अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कर्सर आपका यहाँ है, तो इसके बाद आप टेबल्स टेबल्स में जाके इंसर्ट एंड कॉलम। तो कॉलम बिल्कुल सेम ऑप्शंस रहेगी, लाइक आप नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड करें कि कितने आप टू कॉलम आप इंसर्ट करना चाहते हैं, बिफोर पहले या आफ्टर, तो आफ्टर इसके बाद ओके, तो इसके बाद आपके दो कॉलम इंसर्ट होगी। तो ये था इंसर्शन का प्रोसेस कि आप कैसे कॉलम्स और रो को इंसर्ट करेंगे। सेम ऑप्शंस इसी तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपने रोज़ और कॉलम को डिलीट करना है, तो लाइक टेबल्स में आपने डिलीट डिलीट में आपने रो डिलीट करनी है, तो आपने सिंपल क्लिक करना है, जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वही रो आपका डिलीट होगा। नंबर टू रो आपने डिलीट करनी है, तो क्लिक करके टेबल्स टेबल्स में आपने डिलीट देन रो, इस तरह से आपका रो डिलीट होगा। इसी तरह से अगर आपने कॉलम को डिलीट करना है, तो सेम ऑप्शन कर्सर को वहीं रखना है आपने जहाँ आपने डिलीट करना है, डिलीट देन कॉलम, इस तरह से आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट देन कॉलम। एंड सेकंड ऑप्शन से डिलीट डिलीट में आपका टेबल टेबल भी आप डिलीट कर सकते हैं सिंपली। टेबल्स में आपका क्लिक होना चाहिए, कहीं भी अंदर आप क्लिक करें, कहीं भी किसी भी सेल में, और देन उसके बाद टेबल डिलीट देन टेबल, इस तरह से आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। वन स्टेप कंट्रोल जेड से आप इसको वापस ला सकते हैं। तो ये था आपका डिलीट ऑप्शंस। उसके बाद है सेलेक्ट, सेलेक्ट में आप सेल सेल को आप कैसे सेलेक्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सेल्स है, तो इसमें आपने टू एंड थ्री ये ऑप्शन है सेल, जहाँ पे आपका कर्सर है ये आपका सेल है, सेल को आप सिंपल इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप सिंपल माउस की हेल्प से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेम ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट देन सेल, तो इस तरह से आपका सेल सिलेक्ट होगा। इसी तरह से अगर आपने रो सिलेक्ट करना है, तो सिंपली वहाँ क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने टेबल टेबल्स में जाके सिलेक्ट देन रो, तो आपकी एंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगी। कॉलम का भी सेम प्रोसेस रहेगा, जहाँ भी आपका कर्सर होगा उसी कॉलम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट देन कॉलम, तो इस तरह से आपका कॉलम सिलेक्ट होगा। तो ये काम आप माउस की सहायता से भी कर सकते हैं, सिंपल माउस की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं, नीचे को भी इस तरह से आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं।
टेबल को आपने सेलेक्ट करना है। टेबल को इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं माउस की सहायता से, अदरवाइज आप ऑप्शंस में जाके टेबल सेलेक्ट देन टेबल, तो इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेम ऑप्शन से। उसके बाद ऑप्शन से आपका साइज, ये आपका जो साइज़ रहेगा ये आपका रोज़ और कॉलम की हाइट, अगर आप किसी रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंपली माउस की सहायता से उसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेम ऑप्शंस इसी तरह से आप अपने कॉलम को भी, कॉलम का साइज भी बढ़ा सकते हैं। सेम ऑप्शंस रहेगी ये, सेम ऑप्शंस यही ऑप्शंस रहेगी साइज में, मिनिमम मिनिमाइज रो हाइट, थोड़ी अगर आपने रो की हाइट को कम करना है तो यहाँ पे आप सेम यही स्टेप्स रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखें मर्ज सेल, सेल को आप किस तरह से मर्ज करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप दो सेल को मर्ज करना चाहते हैं कहीं भी ऑप्शंस में, जैसे आप ये और ये दोनों सेल्स को आप मर्ज करना चाहते हैं, इसको आपने इकट्ठा करना है, तो सिंपली आपने इसको सेलेक्ट करना है टेबल्स में जाके मर्ज सेल, तो इस तरह से आपका दोनों सेल का एक ही सेल बन जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको दोबारा इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, स्प्लिट का मतलब इसको आपने बांटना है, तो स्प्लिट सेल यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपने इसको कितने सेल्स में डिवाइड करना है, इसको आपने हॉरिजेंटली रो में आपने इसको डिवाइड करना है कि इसको वर्टिकली, या वर्टिकली अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वर्टिकल आपका कॉलम रहेगा, और अगर आप इसको हॉरिजेंटल स्प्लिट करेंगे तो हॉरिजेंटल में आपका रो बनेगा। तो लाइक हम इसको कॉलम, कॉलम में इसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं, और इसका नंबर ऑफ जो आपका सेल रहेगा वो आपके दो दो सेल्स बनेंगे इसमें, तो ओके इस तरह से आपका जो सेल है वो आपका स्प्लिट होके टू सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शंस रहेगी इसमें आपके पास, टेबल को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं टेबल्स, अगर आपका टेबल काफ़ी बड़ा है और नंबर ऑफ पेजेस पे आ रहा है, तो जैसे लाइक आपके पास 4 एंड 5, अब आप टेबल को बीच से स्प्लिट करना चाहते हैं तो बीच से कहीं से भी आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। तो सिंपल जहाँ से भी आपने स्प्लिट करना है वहाँ आपने अपने कर्सर को रखना है, और सिंपल टेबल्स मेनू में जाके वहाँ से आपने स्प्लिट टेबल करना है, इस तरह से आपका टेबल्स के लिए ऑप्शन पूछेगा स्प्लिट टेबल मोड, कॉपी हेडिंग्स की जो टेबल की हेडिंग्स है, ये जो आपका सीरियल नंबर नेम फादर नेम, इसको आप कॉपी करना चाहते हैं नेक्स्ट इसमें कि नहीं, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके ओके करें तो आपका जो दूसरा टेबल बनेगा उसकी हेडिंग ऑटोमेटिकली ऊपर वाले की टेबल की जो हेडिंग होगी वही हेडिंग आपकी नीचे वाली टेबल की होगी, इस तरह से आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये था आपका स्प्लिट टेबल, कंट्रोल जेड से आप वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस रहेगी इसमें आपके पास प्रोटेक्ट सेल, सेल को आप प्रोटेक्ट कैसे करें, अब बाय डिफ़ॉल्ट आप सेल में टाइप कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट जो भी आप लिख रहे हैं, अब इनकेस आप चाहते हैं कि इस सेल में टाइप ना हो तो आप इसको यहाँ से टेबल्स में जाके प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट के दौरान अब आपका जो ऑप्शंस है वो इसमें नहीं होगा, आप इसमें कंटेंट को नहीं लिख पाएंगे, तो मैसेज आएगा बाय डिफ़ॉल्ट राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, तो दोबारा आपको इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा टेबल देन अनप्रोटेक्ट, फिर आप इसमें राइट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये ऑप्शन थी आपकी प्रोटेक्ट सेल टेबल्स देन प्रोटेक्ट सेल अनप्रोटेक्ट सेल, इस तरह से आप टेबल में प्रोटेक्ट सेल एंड अनप्रोटेक्ट ऑप्शन की यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितनी भी मेनू बार से जो ऑप्शंस आ रही है, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट डिलीट सेलेक्ट साइज, तो ये जो सारी ऑप्शंस है आप राइट क्लिक से भी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक में आपके पास ऑप्शंस रहेगी जैसे स्प्लिट सेल है, इंसर्ट है, या डिलीट, डिलीट ऑप्शंस रो कॉलम टेबल या साइज भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल ऑप्शंस भी रहती है, यहाँ से आप टेबल का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल्स में आपके पास सिंपल यहाँ पे कई बाय डिफॉल्ट स्टाइल्स है, यहाँ से आप ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पे क्लिक करें, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ये वही ऑप्शंस रहेगी जो शुरू में टेबल बनाने के दौरान ऑप्शंस थी, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं टेबल का जो भी आपने बनाना है, और उसके बाद आप उसको ओके करें तो टेबल का आपका वही स्टाइल अप्लाई होगा, तो इस तरह से आप टेबल का स्टाइल यूज़ कर सकते हैं।
ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, ये यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेम ऑप्शंस रहेगा, आप यहाँ से भी टेबल का स्टाइल्स यूज कर सकते हैं, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल्स। तो इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप्स टेबल्स की जितनी भी ऑप्शंस है डिस्कस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।